आपको यहाँ पे पकड़ना है ऊपर और आसानी से पूरा का पूरा रिमूव कर देना है। देख सकते हो आप लोग आसानी से। तो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। आज हम आपके सामने लेके आए हैं ये जेड ब्लैक शीशा कैसे रिमूव करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा। और आपके जो मिरर हैं वो भी ख़राब नहीं हो और आसानी से कैसे रिमूव हो जाएं, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। जो लोग वीडियो पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपको पता ही है कि जेड ब्लैक पे भाई बड़ी बड़ी सिटी में लगभग 20,000 का चलान है, तो अगर आप बड़ी बड़ी सिटी में चलाते हो तो आपको जेड ब्लैक हटा देने चाहिए। देख सकते हो आप, ये पूरी की पूरी जेड ब्लैक है गाड़ी, और अभी हम इसको रिमूव करने वाले हैं सारे के सारे जेड ब्लैक। अभी हम आपको साइड से दिखा रहा हूँ, साइड प्रोफाइल लुक है ये, देख सकते हो आप लोग पूरी की पूरी जेड ब्लैक है। अब हम इसको रिमूव कर देंगे और फिर कैसी लगेगी जी। वैसे जेड ब्लैक में अच्छी तो लगती है गाड़ी, लेकिन ये अभी लागू नहीं है। आपको यहाँ पे पकड़ना है ऊपर और आसानी से पूरा का पूरा रिमूव कर देना है। देख सकते हो आप लोग आसानी से पूरी की पूरी फिल्म बाहर आ जाती है और आपका मिरर एकदम क्लियर हो जाता है। तो भाई चालान से बचें और फालतू पैसे चालान में ना दें। देख सकते हो पूरी की पूरी फिल्म बाहर आ गई है। अब इस फिल्म का आप कुछ भी कर सकते हो, और देख सकते हो पहले ऐसा था, अब ये एकदम नॉर्मली हो गया है शीशा, और इस पर कोई चालान वगैरह भी नहीं है। और अभी ये है, अभी हम इसको भी रिमूव करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम पन्नी ये साइड में रख देते हैं एक बार। अब हम पीछे वाला आपको दिखाते हैं कि कैसे रिमूव करते हैं। तो भाई पहले आपको शीशा डाउन करना है और यहाँ पे कोने पे आपको पकड़ना है, कोने पे, और देख सकते हो धीरे धीरे पूरी की पूरी फिल्म बाहर आ जाती है। थोड़ा सा आपको शीशा फिर ऊपर कर देना है, ऊपर कर देना है यूँ, और देख सकते हो आसानी से पूरी की पूरी फिल्म बाहर आ गई। देख सकते हो कोई भी, तो 2 मिनट में हट जाती है। देखो पूरा का पूरा बाहर आ गया है ये। ये वाला भी साइड में आपको पकड़ना है ऐसे ही, और साइड में से आपको सिर्फ यूँ पकड़ना है, आसानी से रिमूव हो जाती है। देख सकते हो आप लोग आसानी से। पूरी की पूरी फिल्म बाहर आ चुकी है और शीशा एकदम क्लियर हो गया। पीछे वाली भी रिमूव करते हैं, देख सकते हो। अब पीछे वाली भाई यहाँ से होगी रिमूव धीरे धीरे करके, ये देख सकते हो आप लोग। ये अंदर से ज़्यादा जेड ब्लैक नहीं दिखती है, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा दिखती है, तो आपको पीछे से यूँ कवर करना है, पकड़ना है यूँ। देख सकते हो भाई आप, तो पूरी की पूरी फिल्म एक साथ बाहर आ रही है। पूरी की पूरी हमने फ्लेम हटा दी है, रिमूव कर दिए, देख सकते हो। और गाड़ी में ना विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, एकदम क्लियर। देख सकते हो मिरर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकदम क्लियर हो गया है। हम इसको साइड करेंगे तो भाई ये बिना फटे भी एकदम आसानी से बाहर आ जाती है। और ये वाला तो ये पूरी की पूरी बिना फटे हमने निकाल दिए बाहर। और ना इसके बाद गाड़ी हमारी कैसी दिख रही है मैं आपको दिखाता हूँ। देखते हो पहले आपको कुछ अलग दिख रही होगी और अभी आपको ऐसी दिख रही है। तो ये ओनली फॉर फन हमने गाड़ी पे चढ़वा दी थी और अभी हमने बाहर भी निकाल दिए, तो एकदम क्लियर विजिबिलिटी हो गई है गाड़ी के अंदर, देख सकते हो आप लोग। तो जब भी आपकी कोई फिल्म वगैरह फाड़ता है तो आप अपने हाथ से फाड़ दिया करो, क्योंकि आप एक तरीके से फाड़ोगे, बाकी के लोग तो आधी अधूरी कर देते हैं। ये अभी विदाउट जेड ब्लैक फिल्म है और काफ़ी अच्छी लग रही है और एकदम विजिबिलिटी हो गई है। जेड ब्लैक से क्या होता है कि मतलब थोड़ी सी धूप कम लगती है और गाड़ी में थोड़ी ज़्यादा कूलिंग रहती है, बस बाकी कोई ज़्यादा फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।